अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं अपने घर में लगे हुए कुछ पौधे दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गेट के पास एक बोगनवेल लगाई हुई है। बाहर के मौसम की वजह से ये काफ़ी ग्रो कर रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर फ्लावर नहीं लग रहे। तो एक फ्लावर निकला है और उसके बाद मज़ीद भी इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आगे ये नीम का दरख्त लगा हुआ है, आज़ादारी का, अंडी का, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फूल निकले हुए हैं। फिर इसके ऊपर इसके फ्रूट लग जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आगे कुछ पौधे हैं, ये क्राइसेंथीमम है, इसके साथ एक किन्नू का पौधा लगाया हुआ, फिर क्राइसेंथीमम, और इनके दरमियान में यहाँ पे रोज़ा अंडीका रोज़, इसके ऊपर भी फूल निकल रहे हैं, अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं। ये कलमें लगाई थी और ये काफ़ी ग्रो कर गई हैं, उम्मीद है कि ये साल में काफ़ी बड़े पौधे बन जाएंगे। फिर क्राइसेंथीमम में इसके ऊपर देखें कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है, दरमियान में ये किन्नू का पौधा, और उसके बाद ये एक बड़ा पौधा जो है ये मौसमी का पौधा है, और इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन ये गर्मी की वजह से कई दफ़ा इसके जो फ्रूट हैं ये गिर जाते हैं। फिर आगे नेक्स्ट ये सौंफ के कुछ पौधे उगे हुए हैं, यहाँ पे इनके बीज गिरे थे। फिर दरमियान में ये अमरूद है और डेट, खजूर, इसकी भी गुठली यहाँ पे गिरी थी, ये खुद ही उगी है, हमने लगाई नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी इसकी हमने कटिंग कर दी। दरमियान में क्राइसेंथीमम, और लास्ट में अगर हम बात करें पोमीग्रेंटी अनार, इसके ऊपर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी जगह पर मैंने घर में कुछ पौधे लगाए हुए हैं।